तो ये है मेहरा वीडियोस का हेल्प डेस्क और अब के चैप्टर में हम बात करेंगे BECIL की पोस्टेस के बारे में। तो इसमें टोटल 24 पोस्टेस हैं और ये जो पोस्टेस हैं ये 10th बेस पे हैं, मतलब कि 10th पास कोई भी कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकता है। लेकिन दोस्तों ये जो पोस्टेस हैं ये सिर्फ स्किल्ड कैंडिडेट के लिए हैं, मतलब कि देखिए उन्होंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्किल्ड कैंडिडेट, मतलब कि एक्सपीरियंस्ड कैंडिडेट ही इनको अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई फ्रेशर कैंडिडेट है तो वो ये पोस्टेस अप्लाई नहीं कर सकता है। और इसके बाद अगर हम बात करें इसकी लास्ट डेट की, तो दोस्तों इसमें जो लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की वो है 14 फेब। आप ये जो फॉर्म है ये 14 फेब तक अप्लाई कर सकते हो। और दोस्तों इसके एक रूल और है कि जो आपका प्रिंट, मतलब कि जो आपका परफॉर्मा डाउनलोड होगा, जो आपका फॉर्म डाउनलोड होगा, उस फॉर्म को आपने इनको सेंड भी करना है। और दोस्तों आप ये जो इनको परफॉर्मा सेंड करोगे उसकी डेट भी 14 फेब ही है, मतलब कि अगर आप 14 फेब तक इसको अप्लाई कर लेते हो तो 14 फेब को अप्लाई करके आपने इनको सेंड भी करना है। वो चाहे आप इनको बाय हैंड भी पकड़ा सकते हो, चाहे आप इनको डाक या फिर कोरियर के थ्रू भी इन तक पहुंचा सकते हो। और दोस्तों इसके लिए आपका एक टेस्ट होगा, मेरिट के लिए टेस्ट होगा, मतलब कि छोटा सा टेस्ट होगा। और ये जो आपका टेस्ट होगा ये 15 फेब को होगा। देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया भी हुआ है 10 बजे से 2 बजे के बीच आपका टेस्ट होगा। और ये जो आपका टेस्ट सेंटर बनेगा वो नोएडा और वाराणसी ही होगा। देखिए दोस्तों इन्होंने अपनी सारी ये जो डिटेल है इसमें दिया भी हुआ है। और दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि आपने ये जो फॉर्म है ये कहाँ से भरना है और इसके बारे में जो बाकी की डिटेल है वो भी आप कहाँ से ले सकते हो। देखिए दोस्तों इसके बारे में ये जो डिटेल है इन्होंने कंपनी के बारे में ही दी हुई है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी फीस की। देखिए दोस्तों अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको जो सरकारी फीस पड़ेगी वो पड़ेगी 500 रुपये, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर कोई कैंडिडेट एससी है, एसटी है या फिर पीएच, मतलब कि फिजिकल हैंडीकैप्ड है, तो उसको जो सरकारी फीस पड़ेगी वो पड़ेगी 250 रुपये। देखिए और दोस्तों ये जो फीस है ये आप इनको सेंड भी कर सकते हो, मतलब कि NEFT या फिर RTGS थ्रू इनको सेंड कर सकते हो, या फिर आप डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू इनको भेज सकते हो। देखिए और दोस्तों डिमांड ड्राफ्ट का जो एड्रेस है, किसके नाम पर आपने ये डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है, वो भी यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आप देख सकते हो। और दोस्तों इसके लिए जो एज और दोस्तों इसके बाद अगर हम बात करें इसकी एज लिमिट की, तो देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया भी हुआ है इसकी जो एज लिमिट है वो है 18 से 35 साल। तो ये जो 18 से 35 साल है ये इसकी फिक्स एज लिमिट है, मतलब कि अगर कोई कैंडिडेट एसटी है या फिर एससी है या फिर बीसी कैंडिडेट है, किसी को भी कोई भी इन्होंने एज में छूट नहीं दी गई है इसमें। और कोई भी कैंडिडेट है उसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 35 साल ही है। हाँ अगर आपको ये छूट है तो वो आपको फीस में है, लेकिन आपको एज में छूट नहीं दी गई है। और दोस्तों ये जो आपने फॉर्म जो सबमिट करवाना है वो आपने ये जो एड्रेस है इस पे आपने सबमिट करवाना है। और ये जो सबमिट करवाना है उसकी भी लास्ट डेट 14 फेब ही है, देखिए इन्होंने यहाँ पे दिया भी हुआ है। और दोस्तों इसके अलावा अगर आप ये फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, मतलब कि इसको भरना चाहते हो, तो दोस्तों उसका जो लिंक है डायरेक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। देखिए आप जैसे ही डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए लिंक पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह का व्यू नजर आएगा। देखिए दोस्तों ये जो सबसे पहली पोस्ट है 24 पोस्ट्स, यही जो पोस्ट है जिसकी बारे में अभी हम बात कर रहे हैं, तो आप यहां से अप्लाई भी कर सकते हो। देखिए यहां से आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप यही जो नोटिफिकेशन है ये आप डाउनलोड करना चाहते हो तो यहां से आप ये नोटिफिकेशन डाउनलोड भी कर सकते हो। और दोस्तों यही एक छोटा सा चैप्टर था। अगर आप चाहते हो कि इस तरह की कोई भी नई वीडियो बनती है और उसकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे, तो आपने करना क्या है, आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, साथ में दिए हुए बेल के आइकन को भी एक्टिवेट कर लेना है। दोस्तों इसका फायदा ये होगा कि इसके बाद हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करेंगे तो उसकी जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। तो दोस्तों यही एक छोटा सा चैप्टर था, बाकी हम मिलते हैं बहुत जल्द एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।